इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला जितने भी है सब मैं बता दूंगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के लिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला ही दूंगा ठीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए और आपको याद होना ही चाहिए इस वीडियो में आप याद कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से ताकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थ्री लाऊंगा जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में इस बार के एग्जाम में आने के लिए ठीक है तो वो मैं सभी क्वेश्चंस में आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इस वीडियो में याद कर लेंगे जितने भी फॉर्मूला है जितने भी मैं आपको मैं फार्मूला लिखवाऊंगा वो आपको याद कर लेना है ठीक है समझना बहुत ही ईजी है मैं समझा भी दूंगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा ठीक है तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा ये क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का है इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन जो कि चैप्टर टू का है ठीक है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोण फलन फ्लन ठीक चैप्टर टू है प्रतिलोम त्रिकोण फलन चलिए मैं इसके जितने भी क्वेश्चन जितने भी फॉर्मूला है सब मैं फॉर्मूला में आपको मैं एक एक करके दे रहा हूँ आप याद कर लेंगे ठीक है समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझ जाएंगे तो तुरंत याद हो जाएगा ठीक है चलिए मैं एक एक करके मैं सभी फॉर्मूला को लिखता हूँ जैसे देखिए यहाँ पर साइन इन वर्स वन बाय एक्स रहे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इन वर्स वन बाय एक्स तो क्या होगा इसका कोशेक इन वर्स एक्स ठीक है पहले तीन तीन को पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बहुत ईजी हो जाएगा देखिए फॉर्मुला बहुत ही याद करना बहुत ही आसान है ठीक है ना बस आपको समझ लेना कि क्या हो रहा है इसमें इसे देखिए कॉस इनवर्स वर्स वन बाय एक्स तो कॉस इनवर्स वर्स वन बाय एक्स रहे ना तो यहां पर क्या होगा सेक इनवर्स वर्स एक्स ठीक साइन इनवर्स वर्स वन बाय एक्स तो कॉशेक इनवर्स एक्स साइन का उल्टा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कॉशेक इनवर्स एक्स ना तो साइन इनवर्स वर्स वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉशेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वर्स वन बाय एक्स बराबर क्या होगा सेक इनवर्स एक्स ठीक है चलिए तीन नंबर देखिए टेन इनवर्स वर्स वन बाय एक्स तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स का बोलिए क्या होगा ठीक सही बोले कॉट इनवर्स एक्स ठीक है कॉट इनवर्स एक्स मतलब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स वन बाय एक्स है तो कोशेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वन बाय एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वन बाय एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स उपोजिट हो रहा है ना इसका साइन साइन का कोशेक होता है कॉस का सेक होता है टेन का कॉट होता है तो इसी प्रकार हमने लिखा जैसे देखिए साइन इनवर्स वन बाय एक्स तो कोशेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वन बाय एक्स सेक इन एक्स टेन इनवर्स वन बाय एक्स कॉट इन एक्स ठीक है चलिए और लिखते हैं याद हो गया ये सब तीनों फॉर्मूला ठीक चलिए देखें नेक्स्ट यहां पर देखिए फोर नंबर लिखते हैं ठीक है साइन इन वर्स माइनस एक्स क्या होगा इसका माइनस जो है ना इस माइनस को हम लोग पहले लिखेंगे ठीक है उसके बाद साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस साइन इन वर्स एक्स साइन इन वर्स माइनस एक्स तो इसका क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स ठीक है चलिए टेन इनवर्स माइनस एक्स तो टेन इनवर्स माइनस का क्या होगा माइनस पहले लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स ठीक है टेन इनवर्स एक्स ठीक साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ठीक है उसके बाद देखिए cosec इनवर्स वर्स माइनस एक्स माइनस कोशेक इनवर्स एक्स ठीक है cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोशेक इनवर्स एक्स मतलब ये तीनों फॉर्मूला जितने लिखे थे सब रिलेट कर रहा एक, एक दूसरे से यहां पर जितने फॉर्मूला है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है जैसे देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स कोशेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस पहले लिख देंगे माइनस कोशेक इनवर्स एक्स ठीक है इस प्रकार से सभी फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए इस वीडियो पर ठीक है सेवन नंबर लिखते हैं कॉस इन माइनस एक्स ठीक है तो कॉस इन माइनस एक्स लिखे हैं यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉस इन एक्स ठीक है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इन माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एट नंबर लिखते हैं सेक इन माइनस एक्स तो इसका क्या होगा पाई माइनस सेक इन एक्स ठीक है चलिए नौवा नंबर कॉट इन माइनस एक्स तो इसका क्या होगा पाई माइनस कॉट इन एक्स ठीक है मतलब यहाँ पर देखिए कॉस इन इनवर्स माइनस एक्स है ना माइनस 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 एक्स तो पाई माइनस कॉस इन वर्स एक्स सेक इन माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स वर्स एक्स कॉट इन वर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इन वर्स एक्स ये तीनों फॉर्मुला देख रहे हैं कुछ एक जैसा यहां पर लग रहा है ना कॉस कॉस इन माइनस एक्स रे या फिर सेक इन माइनस एक्स रे या फिर कॉट इन माइनस एक्स रे तो पाई माइनस कॉस इन एक्स हो जाएगा ठीक है सेक इन माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस सेक इन एक्स हो जाएगा कॉट इन माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉट इन एक्स हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिये साइन टेन और कोशे इसमें इसमें भी था माइनस एक्स माइनस एक्स करके लिखे थे ना साइन यूनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन यूनवर्स एक्स लेकिन देखिए साइन टेन कोशेक रहे ठीक है साइन टेन कोशेक रहे तो यहाँ पर माइनस हम लोग लिखेंगे सिर्फ ठीक है ना माइनस लिखेंगे लेकिन यदि कॉस सेट रहे ठीक है कॉश सेक कॉट रहे ठीक है ना कॉस सेक कॉट ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे पाई को पहले लिखेंगे पाई माइनस लिखेंगे ठीक है पर देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखे थे लेकिन यहां पर देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स है बस इतना आपको ये क्या करना है याद करना है ठीक है और मैं लिखा रहा हूं और मैं भी और लिखा रहा हूं देखिए दस नंबर लिखते हैं ठीक है और लिखा रहा हूं चलिए हा ठीक है चलिए देखिए दस नंबर में लिख रहे हैं हम लोग साइन इन वर्स साइन इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स ठीक है अब यदि ऐसा फॉर्मूला रहे साइन इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स तो साइन इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू क्या होता है पाई बाई टू ग्यारह नंबर में भी हम लोग लिखते हैं टेन इन वर्स एक्स प्लस कॉट इन वर्स एक्स ठीक है तो इसका भी क्या होगा पाए बाय टू टू ठीक है चलिए बारह नंबर लिखते हैं कॉशेक इन माइनस को, सॉरी कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स ठीक है इतना सारा फॉर्मूला में दे रहा हूँ आपको याद होना चाहिए ठीक है ना पाव बाय टू इसका भी क्या होगा पाई बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाए बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाव बाय टू कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू ठीक है मतलब इस तरह के आपको फॉर्मूला दिखे प्लस वाला में तो यहां पर क्या लिखना है सीधा पाई बाई टू लिखना है ठीक है साइन इन वर्स तो कॉस इन वर्स टेन इन वर्स कॉट इन बर्स कॉ सेक इन बर्स सेक इन बर्स इस प्रकार से आपको तो इसका क्या होगा पाई बाई टू होगा ठीक है चलिए देखिए उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिखा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा ठीक है तेरह नंबर यहां पर क्या है ये तो आपको याद होना ही चाहिए इससे तो इससे तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में पक्का देखिए टेन इनवर्स वर्स एक्स प्लस टेन इन वाई ठीक है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो इसका फॉर्मूला जब जब यहाँ पर प्लस रहे चले माइनस वाला को भी लिख लेते हैं यहां पर ठीक है सुविधा होगा आपको टेन इनवर्स वर्स एक्स माइनस टेन इन वाई ठीक है देखिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा देखिए जब प्लस वाला रहे ना प्लस वाला जब रहे ना तो इस प्रकार लिखेंगे हम लोग टेन इन वर्स एक्स प्लस वाई ये एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस है ना प्लस एक्स प्लस वाई तो यहां पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई ठीक है एक्स प्लस वाई उसके बाद लिखेंगे वन माइनस एक्स वाई देखिए ऊपर यहां प्लस था ना तो इसीलिए ऊपर में हमने प्लस लिखा था ठीक है जब प्लस ऊपर में लिखे तो नीचे क्या लिखना होगा सौता यहां पर माइनस लिखना होगा ठीक है मतलब टेन इन वर्स एक्स प्लस टेन इन वर्स वाई तो क्या होगा टेन इन वर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई ठीक है अब देखिए यहां पर tan इनवर्स x एक्स माइनस टेन इन वर्स तो देखिए अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है यहां पर तो माइनस वाई ऊपर में क्या लिखना है माइनस वाई लिखना है इसी पर ठीक है माइनस इसलिए तो क्या किया दोनों में कुछ बहुत नहीं है और नीचे वाला में क्या था माइनस है ना टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो यहां पर क्या होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई ठीक है देखिए और एक बार मैं फॉर्मूला को पढ़ता हूँ तो क्या होगा टेन इन वर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इन वाई तो क्या होगा टेन इनवर्स वर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई ठीक है ये दोनों जो फॉर्मूला है ना है, BBI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए देखिये अब हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले को लिखते हैं ठीक है पंद्रह नंबर देखिए हम लोग ना इधर से लिखेंगे आप यहां पर ठीक है चौदह तक हो गया था अब पंद्रह नंबर देखिए टू टेन इन वर्स एक्स तो इसका क्या होगा साइन इन वर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स वाई अच्छा देखिए टू tan इनवर्स x का ही ना यहाँ पर तीन को फॉर्मूला है ठीक है टू tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला है यहाँ पर तीन फॉर्मूला है जो कि अलग अलग तरीका से है ठीक है वहाँ पर जिस पदों में रहे आपको उस पदों में लिखना होगा जैसे यहाँ पर देखिए टू tan इनवर्स x को हम लोग साइन के पदों में तो साइन के पदों में लिखें लिखेंगे साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स वाई ठीक है उसी प्रकार से देखिए टू tan इनवर्स x हम लोग लिखिए देते हैं ठीक है सत्रह नंबर तक टू टेन इनवर्स x ठीक है ना देखिए यहाँ पर साइन के पदों में लिखे थे हम लोग 2 tan इनवर्स x तो sin inverse 2x by 1 plus xy अब हम लोग इसे कोस के रूप में लिखेंगे तो कोस के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे देखिए cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square ठीक है देखिए 2 tan इनवर्स x तो क्या इसका कोस के रूप में लिखेंगे तो हम लोग तो cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square इस प्रकार से आपको लिखना है अब हम लोग इसे टेन के यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स है ना अब टेन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स टू एक्स बाय माइनस एक्स स्क् समझ रहे हैं inverse, uh, 2 x का यहाँ पर कितने फॉर्मूला है तीन फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है थीके? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बोले तो ये वाला दोनों ठीक है चलिए ठीक है देखिए पंद्रह नंबर देखिए टू टेन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स टू एक्स बाय प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स वर्स एक्स यहाँ कॉस के रूप में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स वर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर याद हो रहा है टू टेन इनवर्स वर्स एक्स टेन के रूप में टेन इनवर्स वर्स टू एक्स बाय माइनस एक्स स्क्वायर ठीक तो ये था कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली बनाने के लिए ठीक है तो फॉर्मूला के बगैर तो बना उतना इजी नहीं रहता है इसलिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए तो मैंने सत्रह फॉर्मूला दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए तो जल्दी से जल्दी फटाफट इसे याद कर लीजिए मुझे उम्मीद है कि अभी ही आपको बहुत सारे याद हो गया होगा ठीक है ना आ, बहुत सारे याद हो गया होगा चलिए इसको आप स्क्रीन ले सकते हैं स्क्रीन ले लीजिए यहां से एक बार ठीक है ठीक है ले लिया उसके बाद एक नीचे से ले लीजिए ठीक उसके बाद आपको क्या करना है इसको कॉपी में लिख देना है और कॉपी में लिख करके आपको याद करना है ठीक है इसका अगला वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें मैं पार्ट थ्री होगा जो कि इनवर्स रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन को बता दूंगा जो और आपको क्या करना है जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है ठीक है ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं एग्जाम में उसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे मैं जितना जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना उसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बस थोड़ा सा उलट पुलट करके आते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होता है ठीक है चलिए देखिए इतना इतना ही फॉर्मूला है चैप्टर टू में जो कि आपको याद होना चाहिए और याद कर लीजिए जल्दी जल्दी ताकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको आ, समझने में आसानी होगा ज़्यादा आसानी होगा ठीक है ऐसे तो मैं बहुत इजीली समझा देता हूँ लेकिन आपको और भी आसानी हो जाएगा समझने में तो जल्दी फटाफट फटाफट फटा, फटा, इस फॉर्मूले को याद कीजिए ठीक है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद